नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। तो आपको बता दें कि आज जन अनुशासन पखवाड़े का तीसरा दिन है और इसी के साथ हम आज स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं झोटवाड़ा में। हमारे साथ यहां पर झोटवाड़ा व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, क्योंकि जयपुर का जो व्यापार मंडल है वो इस जन अनुशासन पखवाड़े से कुछ नाखुश है और इसका विरोध कर रहा है। और इसी के साथ कल ज्ञापन भी सौंपा गया है मुख्यमंत्री को कि अगर लॉकडाउन लगाया जाए तो पूरी तरीके से लगाया जाए, और अगर ये जन अनुशासन पखवाड़े में कुछ रियायत इनको भी देनी चाहिए, इनको भी जो इनकी दुकानें हैं और जो ज़रूरी चीज़ों की जो दुकानें हैं, सामान की जो दुकानें हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि शादियों का सीज़न भी है और जो डेट्स निकल चुकी हैं उसके बाद जो ज़रूरी चीज़ों की सामान है उनके अंदर जितने भी व्यापार मंडल हैं उनको भी अपनी जो दुकानें हैं उनको खोलने की परमिशन दी। इसी के साथ हमारे साथ यहाँ झोटवाड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि कल उन्होंने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया था, क्या रहा, क्या सोल्यूशन मुख्यमंत्री ने इसके खिलाफ निकाला है। अभी तक कह रहे हैं कि भाई कोई मीटिंग चल रही है और मीटिंग के अंदर जो भी निर्णय होगा भाई आज या कल, तो दो दिन का समय है सरकार के पास, सरकार इसका निर्णय ले। और सबसे मेन ये है कि दुकानदार जो है ना, आज छोटे दुकानदारों की हालत वो हो गई है कि पूछो मत। और ये फ्लिपकार्ट अमेजोन इनको जो है ना करोड़पतियों को अरबपति सरकार बना रही है, तो ये छोटे दुकानदार क्या करें? या तो वहाँ मुख्यमंत्री निवास के बाहर हम जाके बैठ जाते हैं, या फिर हमारा समाधान करें। हमारे जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए कुछ ऐसा, अभी इनको यूडी टैक्स भी चाहिए। प्रताप सिंह खाचरियावास साहब जो है ना, पहले ये कह रहे थे भाई यूडी टैक्स नहीं जमा होने देंगे, आज वो मंत्री हैं। अब क्या हो गया, यूडी टैक्स जमा हो रहा है और प्रताप सिंह जी खाचरियावास बिल्कुल नहीं बोल रहे, क्यों, ऐसा क्या हो गया? तो थोड़ा सोचना चाहिए उनको भी और सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि ये जो छोटे दुकानदार हैं ना, जिनके पास लाख रुपये 2 लाख रुपए का माल लेके किराए की दुकान 25,000-30,000 रुपए कहाँ से देंगे वो? तो सबसे मेन यही है कि इसका निर्णय जो भी है आज या कल आता है, अगर नहीं आएगा तो परसों से हम सब दुकानें खोलेंगे। क्या लगता है कि क्या मुख्यमंत्री आपके पक्ष में फैसला लेंगे? भाई सर, अगर वो जनता के हैं तो लेना पड़ेगा उनको, नहीं तो काय का लॉकडाउन है? देख लो ना आप, बिल्कुल यहाँ से लेके वहाँ तक देखो किस चीज़ का लॉकडाउन है। पिछले लॉकडाउन में हम सब व्यापारियों ने झोटवाड़ा में हजारों की तादाद के अंदर लोगों ने अपनी अपनी जो है ना, क्या नाम, मतलब कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, जनता की सेवा में लगे हुए थे, किसी को कहीं भी कोई नौबत नहीं आने दी। और आज ये लॉकडाउन है, वो था क्योंकि जनता के पास कुछ पैसा था, आज उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। या तो एक काम करें, हम जो जितने भी छोटे दुकानदार हैं वो जहर खा के मर जाएँ तो वो जहर दे दें हमें। तो सबसे पहले सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि इन छोटे दुकानदारों का जब तक समाधान नहीं होगा, ये छोटे दुकानदार हर चीज़ टैक्स आ रही है, एक नंबर में आ रही है, बाकायदा GST दे करके जब आती है तो यही ज़्यादा बड़े ये मॉल वाले टैक्स दे रहे हैं क्या ज़्यादा, हम नहीं दे रहे। तो सरकार को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, मैं तो सीधी सी बात है कि यही जानता हूँ। सर, आप झोटवाड़ा व्यापार मंडल के महामंत्री हैं, किन किन तरीक़ों की जो परेशानियाँ हैं जो छोटे व्यापारी आपके पास लेके आते हैं इस जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान? सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे जूते के दुकानदार हैं, जैसे छोटे छोटे ज्वेलरी के दुकानदार, ज्वेलरी भी क्या है उनके पास, बेचारों के पास 2-4-5 लाख रुपए जैसे जैसे करके उन्होंने लिमिट ले रखी है या कुछ भी कर रखा है। किसी के पास भी आ जाओ, कपड़े की दुकान है, आज मजदूरों की हालत क्या है, ये सामने पेंट की दुकान है, मजदूर काम करेंगे, पेंट की दुकान बंद पड़ी है, सैनिटरी की दुकान है वो बंद पड़ी है और मजदूर काम करेंगे, मजदूर कहाँ से काम करेंगे? रोडी सीमेंट के लिए इन्होंने आज कहा है अगर भाई खुलेंगी, मगर वो भी डर के मारे इसलिए नहीं खोल रहे कहीं पुलिस ना उठा ले जाए, तो उन्होंने भी दुकानें नहीं खोली। मेरे रोड पर काफ़ी दुकानें ऐसी हैं, तो जब वो दुकानें वाले सारी बंद पड़ी हैं और जिनको खोला है कि भाई किराने वाले और मेडिकल, ये दो, तो किराना और जो मेडिकल है उसको जो है ना, अगर गली गली में सब जगह हैं, ऐसा तो है नहीं कि भाई हर गली के अंदर है, उनको अगर खोलने की छूट दिए तो हम सारे व्यापार मंडल जितनी हमारी दुकानें अगर खुलती तो हम साथ में चल करके व्यापारी को भी समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं करना है, किसी भी तरह का कोई अपने को उल्लंघन नहीं करना है, कोरोना का जो भी है ये पालन करके और उसी हिसाब से हम पूरी गाइडलाइंस का पालन करके काम करते। पर आज देख लो ना किस हिसाब से क्या हो रहा है, ये कोरोना का गाइडलाइंस की पालना हो रही है, कुछ नहीं हो रहा। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूंगी कि अगर, जैसे कि हम जानते हैं कि प्रदेश में जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है, लगातार जो कोरोना के केसेस है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, अगर राज्य सरकार फैसला लेती है पूर्ण तरीके से लॉकडाउन करने का कि जितने भी बाज़ार हैं वो पूरी तरीके से बंद कर दिए जाएँ, तो क्या आप उनका सपोर्ट करेंगे? नहीं देखो, सपोर्ट करने वाली बात तो ये है, अगर ये शुरू से करते तो हम सपोर्ट करते, मगर इन्होंने जो दोगली नीति करी है ना, आप कोई सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तो खोलेंगे। रही बात ये महामारी जो बढ़ने वाला काम है ना, जब इनकी रैलियां हो रही थी, इनके मंत्री
सारे बगैर मास्क के वहाँ स्टेज पे बैठे हैं, वो भी एक दो नहीं हजारों की तादाद में जनता, ये फैलाया था इन्होंने खुद ने, आज ये खुद ही फैला रहे हैं, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, और फैलाने के बाद में जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये लॉकडाउन क्या है, ऐसा लॉकडाउन होता है? उज्जी रैलियाँ निकाल रहे थे, दब छोड़नी चाहिए इनको, बात सोचना चाहिए था कि भाई क्या हो रहा है, जब तो इनको बिल्कुल शर्म नहीं आई, सारे के सारे जब तो लगे रहे स्टेज के ऊपर बैठे हुए भाषण दे रहे हैं, और साथ में ये और कह रहे हैं मास्क लगा के मैं बोल रहा हूँ आवाज़ नहीं आ रही क्या, साथ में ये कह रहे हैं कि साहब मास्क लगाएं तो आवाज़ नहीं आएगी, हमारी कैसे आ रही है? तो ये बेशर्मी जो है ना, इन सारे पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे कोई दूसरी पार्टी हो, सब ने मिल करके ये नाटक किया, जनता के साथ खिलवाड़ किया और कुछ नहीं। तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि हम आपको बता दें कि जितने भी व्यापार मंडल हैं वो इस जन अनुशासन पखवाड़े से बिल्कुल नाखुश हैं, और इसके लिए सरकार को 2 दिन का समय भी दिया गया है। अगर सरकार इनके पक्ष में फैसला लेती है तो ठीक है, और अगर नहीं लेती है तो आज या कल में ये पूरी तरीके से जो मार्केट है उसको खोल देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट श्रीराम के साथ मैं चारू कौशिक, मरुधर बुलेटिन।